नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पढ़ो और बढ़ो यूट्यूब चैनल में। इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का कुछ प्रकार का सवाल समझाएंगे आपको। जब आप ये पूरा वीडियो अंत तक देख लेंगे तो आपको फिर जहां से मन करेगा आप वहां से क्वेश्चन लगाइएगा, आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आप बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, सवाल देखते हैं कि उसको कैसे बनाना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सामने है। चलिए एक बार स्क्रीन को आप पॉज करके आराम से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बॉय राइड्स बाइसिकल 10 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक लड़का है जो कि 10 किलोमीटर जो है डिस्टेंस जो है, मान लीजिए यहां से लेके यहां तक, ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस, ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो किस स्पीड से जाता है। ये 10 किलोमीटर जो है एवरेज स्पीड उसका जो है यहाँ जाने का कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर। देखिए क्वेश्चन में समझिए इस चीज को, ये नहीं बोल रहा है कि वो 10 किलोमीटर जो है वो 12 किलोमीटर के हिसाब से जाता है, बोल रहा है कि वो एवरेज स्पीड जो है 12 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और इसके बाद फिर ये यहां से यहां जो है कितना, 12 किलोमीटर अगेन, मतलब अगेन का मतलब क्या होता है, फिर से। ये 12 किलोमीटर डिस्टेंस जो है किस स्पीड से जाता है, यहां से इसका एवरेज स्पीड रहता है 10 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंटायर जर्नी, इंटायर जर्नी का मतलब क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक आपको ये इंटायर जर्नी हो गया। इंटायर जर्नी कितने किलोमीटर का हो गया, 22 किलोमीटर का हो गया इंटायर जर्नी। वो इंटायर जर्नी में इसका एवरेज स्पीड क्या है जो लड़का जा रहा है उसका, ठीक है ना। तो चलिए एवरेज स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला हमको पता है, क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस मतलब टीडी और टोटल टाइम टेकन मतलब टीटी, शॉर्ट में हमने लिख दिया उसको, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है 12, 10, 22 किलोमीटर। हमको क्या निकालना है, एक बार टोटल टाइम टेकन अगर हमको पता चल जाए तो फॉर्मूला में डाल देंगे आंसर आ जाएगा, ये पता कैसे चलेगा, हमको निकालना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, मान लीजिए टोटल टाइम टेकन कैसे निकलेगा, जिसको 10 किलोमीटर यहां से यहां, यहां से यहां 10 किलोमीटर आने में इसको समय जो लगा, मान लीजिए उसको T1, तो टाइम इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, स्पीड क्या है 12। सिमिलरली मान लीजिए कि 12 किलोमीटर जाने में उसको टाइम लगा कितना, T2, तो फिर यहां पे टाइम कैसे निकलेगा, 12 डिवाइडेड बाई स्पीड कितना है 10 किलोमीटर पर आवर। अब टोटल टाइम टेकन का अगर बात करेंगे टीटी का, तो वो कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 10। 12 और 10 कैल्सियम कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। ये हो गया 50 और फिर ये हो गया 72। जब इसको जोड़ेंगे तो 70, 50, 120 और 2, 122 डिवाइडेड बाई 60, 2 6 12, 2 1 2, 2 से 30, 61/30 आपको आ गया। अब फॉर्मूला में डालिए, वहां पे फॉर्मूला में जब आप डालेंगे तो टोटल डिस्टेंस इसका टू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस फॉर्मूला को हमें यहाँ लाके यहाँ ऐसे खुद कर रहे हैं, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस कितना है 22 किलोमीटर और ये टोटल टाइम टेकन कितना हो गया, तो ये इसको 30 डिवाइडेड बाई 61 कर दीजिए, तो ये आ गया कितना, 22 660 और डिवाइडेड बाई 61। तो आपको देखिए एग्जैक्टली नहीं पूछ रहा है, अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि आप इसको अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं तो 10 मरतबा में अगर गुना करेंगे तो कितना, 610, मतलब 10 से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 10.1 और 11 से कुछ कम, तो इसका आंसर जो है कितना आ जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए मैन ट्रेवल्स 500 मीटर इन फर्स्ट मिनट, इन द नेक्स्ट 4 मिनट इट ट्रेवल्स 125 मीटर मोर देन प्रीवियस मिनट, ठीक है ना। तो हमको एवरेज स्पीड बताना है। अब देखिए हुआ क्या है कि मान लीजिए कि ऐसे ये 1 मिनट,
ठीक है ना, ये जो है 1 मिनट, ये इस 1 मिनट में कितना यहां से यहां जाता है, और ये डिस्टेंस का दूरी हमको दिया हुआ है, कितना दूरी दिया हुआ है 500 मीटर। अब नेक्स्ट मिनट जो है, नेक्स्ट 4 मिनट जो है ना, प्रीवियस मिनट से, यहां पे देखिए, यहां अपना ध्यान बताइए, यहां क्या बोल रहा है कि 125 मीटर मोर देन, मतलब 125 मीटर ज्यादा प्रीवियस मिनट से। प्रीवियस मतलब पिछला, तो प्रीवियस मिनट से, तो यहाँ 500 चला, तो यहाँ पे कितना चलेगा, 125 जब इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 625 मीटर हो जाएगा 1 मिनट। फिर यहां से, फिर जो अगला 1 मिनट जो यहां से यहां तक, तो जो ये 1 मिनट है ना, इसमें इससे 125 मीटर ज्यादा, तो जब 625 में जब आप 125 जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 10, 2 2 4 1, 750 मीटर। तो 750 मीटर चला, और फिर देखिए यहां से 1 मिनट, तो फिर इसमें जो है ना, ये 750, इसमें फिर 125 मीटर ज्यादा। साफ साफ बोल रहा है कि प्रीवियस मिनट में वो जितना चला है ना, उससे 125 मीटर ज्यादा, तो मतलब इस केस में 875 मीटर चला। और फिर जो है नेक्स्ट 1 मिनट जो है ना, यहाँ पे ये नेक्स्ट 1 मिनट जो है 125 मीटर फिर चलेगा, तो 5 5 10, 7 9 1 10, 8 2 10, 1000 मीटर, मतलब 1000 मीटर, ठीक है, 1000 मीटर हो गया, ये 1000 मीटर हो गया। नेक्स्ट 4 मिनट, तो देखिए ये हो गया पहला, और नेक्स्ट 1 मिनट ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। तो अब इसके आगे नहीं जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट 4 मिनट, तो हो गया नेक्स्ट 4 मिनट, और इसको लेके 5 मिनट, इसको लेके 5 मिनट, तो इसी 5 मिनट में टोटल आपको एवरेज स्पीड पूछता है। तो एवरेज स्पीड निकालने का हमेशा वो एवरग्रीन फॉर्मूला है, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो फिर तो टोटल डिस्टेंस हमको निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको इसको टोटल को जोड़ना पड़ेगा। कैसे, आप जोड़िए इसको, तो 1000 प्लस 875, ठीक है, प्लस 750, प्लस 625, और प्लस 500। तो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 5 5 10, 7 2 9, 5 14 2 16, और 7 23, 24। तो इसको आराम से आप देखिए, इसको आराम से जोड़ के देख लीजिए, जोड़ने पे ये आएगा 3750, ठीक है, 3750। तो अब हमको टोटल डिस्टेंस पता चल गया कितना, 3750 मीटर, और टाइम भी हमको पता है कितना टाइम, 5 मिनट समय पता है। अब क्या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो जब 3750 को जो है आप डिवाइड कर दीजिए कितना से, टोटल टाइम टेकन कितना है, 5 से। तो देखिए ये जो आंसर आएगा ना आपको, यहाँ मीटर है और यहाँ नीचे क्या है, मिनट है, तो ये मीटर प्रति मिनट के हिसाब से आएगा, लेकिन ऑप्शन में आपको कहीं मिनट दिखाई दे रहा है और कहीं मीटर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, किलोमीटर और आवर दिखाई दे रहा है। तो एक काम कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप 3750 को जो है किलोमीटर में बदल लीजिए। तो किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये 5 7 35, 2 50 25, और 5 से 20, ठीक है, और फिर 15 5 75, और 5 5 20, ये 15/4 आ गया, मतलब ये 15/4 किलोमीटर ये डिस्टेंस आ गया, टोटल डिस्टेंस किलोमीटर में आ गया। उसी तरीके से 5 मिनट जो है ना, उसको 5 मिनट को जो है 60 से डिवाइड कर लीजिएगा तो आवर में आ जाएगा, तो ये टोटल टाइम टेकन हो गया। इतना तो पता होगा ही, क्योंकि अगर किसी भी मान लीजिए मिनट में दिया हुआ है तो उसको 60 से डिवाइड कर देते हैं तो आवर में आ जाता है, ये देखिए 5 से 12। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 15/4, टोटल टाइम टेकन कितना हो गया, 1/12, तो इसको डिवाइड कर लीजिए 1/12 से, तो ये 4 3 12, और 15 3 45, तो ये 45 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया, तो आंसर इसका बी हो गया, समझ रहे हैं ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से इसको स्क्रीन को पॉज कीजिए और पहले खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, अगर नहीं बन रहा है उसके बाद आंसर मिलाइए फिर सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। ए ट्रेन ट्रेवल 500 इन द
नेक्स्ट डे क्वेश्चन यार, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, पहले स्ट्रीम को पॉज कीजिए, उसके बाद खुद से बनाइए और फिर आंसर मिलाइए, आंसर नहीं मैच कर रहा है तो फिर सॉल्यूशन देखिए। चलिए ठीक है, देखिए अब शुरू करते हैं इसको। इन कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस द स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:4, ए टेक 30 मिनट मोर देन बी टू रीच द स्टेशन। क्या बोल रहा है कि सर्टेन डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस फिक्स नहीं है 10 किलोमीटर की 20 किलोमीटर, सर्टेन डिस्टेंस ठीक है, मान लीजिए कि डिस्टेंस कितना है बी, सर्टेन डिस्टेंस ठीक है। अब इस यहाँ ए भी चला यहां से यहां और बी भी चला यहां से यहां, और इनका एग्जैक्ट जो है ना ए किस स्पीड से जा रहा है और बी किस स्पीड से जा रहा है सो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमको एक चीज दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ ए और बी, स्पीड ऑफ ए और बी के स्पीड का रेशियो 3:4 दिया हुआ है ठीक है ना, ये क्या है स्पीड का रेशियो। तो एक हमको पूछ रहा है कि ए कितना समय में वहां पहुंचेगा ठीक है ना, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखिए, हम आपको शुरू में ही बोले थे कि हम लोग क्वेश्चन के साथ ही कॉन्सेप्ट देखेंगे, आपको अलग से हम कॉन्सेप्ट नहीं बताने जा रहे हैं कि हाँ आप ऐसा कर लीजिए ऐसा कर लीजिए, क्वेश्चन के साथ साथ देखिए यहाँ नया कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुने टाइम ठीक है, एकदम बिल्कुल ये नया कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुने टाइम, डिस्टेंस क्या है कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का क्या मतलब है कि मतलब ए जितना दूरी जा रहा है ना बी भी उतना ही दूरी जा रहा है, तो जब ये कांस्टेंट है ये टर्म जो है कांस्टेंट है ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2 लिख सकते हैं ठीक है ना, ये एक कॉन्सेप्ट होता है S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे ना तो इसको हम लोग फिर S1 / S2 T2 / T1 लिखिए। अब देखिए यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने वाला क्या है कि देखिए स्पीड का जो रेशियो होता है ना वो टाइम के रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल तो होता है ठीक है, लेकिन इससे क्या समझे देखिए, तो इससे ये समझे कि मतलब जिसका ज्यादा स्पीड रहता है उसको कम समय लगता है और कम स्पीड वाला को ज्यादा समय लगता है ठीक है ना, तो ए और बी का रेशियो अब 4:3 दिया हुआ है, किस चीज का स्पीड का रेशियो दिया हुआ है ठीक है, तो ए और बी का जो है ना टाइम टेकन का रेशियो कितना हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। देखिए वो हम आपको उतना समझाने के लिए बताया है, लेकिन आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी अगर स्पीड का रेशियो दिया हुआ है तो आप उसको रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, तो ये टाइम टेकन का हो जाएगा ठीक है ना, मतलब ए और को यहां से यहां जो है ना जाने में जो समय लगेगा ये उसका रेशियो हो जाएगा ठीक है। तो एक चीज देखिए, ए को हम लोग टाइम टेकन जो है ए का टाइम टेकन कितना मान लिए 3K मान लिए और बी का टाइम टेकन कितना मान लिए 4K मान लिए। अब जब हम लोग यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि ए को जो है 30 मिनट ज्यादा लगता है, जब 30 मिनट ज्यादा लगता है तो हम जब इस दोनों को बराबर करेंगे तो क्या लिखेंगे ए इज इक्वल टू 3K + 30। ये क्यों लिखे 3K + 30, क्योंकि ए जो है ये छोटा है तो इसके बराबर करने के लिए इसको जोड़ दिए, 30 क्यों जोड़े क्योंकि 30 मिनट से छोटा है, 30 मिनट का ही अंतर है दोनों में इसलिए 30 मिनट जोड़ दिए। यहां से देखिए के इज इक्वल टू क्या आ गया 30 आ गया। तो अब पूछा गया, पूछा क्वेश्चन में कि ए को कितना समय लगा ठीक है ना, तो ए को अगर कितना समय लगा तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, कितना समय लगा के इज इक्वल टू 30 तो फिर 30 90 और बी को कितना समय लगा तो 120, तो अगर ए का समय पूछेगा तो कितना हो जाएगा 90 और बी का अगर समय पूछेगा तो कितना हो जाएगा 120। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सर्टेन डिस्टेंस जाने में, फिक्स डिस्टेंस नहीं है कि कितना किलोमीटर, या सर्टेन डिस्टेंस बी जाने में जो है ए और बी का स्पीड, मतलब ए जो है ना
जीसस किसी भी स्पीड से जाता है, मान लीजिए बी भी किसी स्पीड से जाता है, वो हमको नहीं पता है, लेकिन ए और बी का स्पीड का जो रेशियो, मतलब जिस स्पीड से ए जाता है और बी जाता है, उसका रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है, ये स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिखे ना कि स्पीड का रेशियो, तो जो स्पीड का रेशियो होता है ना, अगर डिस्टेंस फिक्स, दोनों अगर बराबर डिस्टेंस जा रहा है, तो जो स्पीड का रेशियो दिया हुआ होता है उसको अगर आप उल्टा कर देंगे ना, तो वो टाइम टेकन का रेशियो आ जाता है। ठीक है, तो वो टाइम टेकन का रेशियो दिया है, मतलब ए और बी, ए जितना समय में यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, और बी जितना समय में यहाँ से यहाँ जाएगा, उसका टाइम टेकन का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें, तो देखिए ए और बी का जो है टाइम टेकन का रेशियो, ये डिस्टेंस डी जाने में कितना हो गया, टाइम टेकन का रेशियो कितना हो गया, 4:3 हो गया। तो इसको मान लीजिए कि ये 4K है और ये कितना है, 3K है। ठीक है ना, तो ए को ज्यादा समय लगता है और बी को जो है कम समय लगता है, तो बी को कम समय लगता है, तो इसलिए इसमें कितना कम समय, तो 30 मिनट जोड़ देंगे, तो कितना आ गया, के का वैल्यू जो है यहाँ से आ गया 30। तो अगर ए का पूछेगा कि ए कितना समय में वहां जाता है, तो 4K, तो 4K मतलब 30 चौका 120 मिनट, 120 मिनट मतलब 2 आवर। अगर क्वेश्चन में पूछता कि बी को कितना जाने में समय लग रहा है, तो 3K इसका 90 मिनट, लेकिन हमको नहीं पूछा है, यहाँ पर नहीं बोलेंगे, उसका जवाब नहीं देंगे, ए का जवाब देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे समझिए क्वेश्चन में जो है, जब भी आपको कहीं दिया रहे ना कि हाँ ये जो है एक सर्टेन डिस्टेंस, मतलब दोनों बराबर डिस्टेंस जा रहा है, तो और उसका रेशियो दिया रहे, तो आप उसको उल्टा कर दीजिए, जैसे ही उल्टा करेंगे ना, तो आप फिर टाइम टेकन का रेशियो आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस दोनों जो है बराबर जा रहा है, दोनों 5 किलोमीटर जा रहा है या दोनों 10 किलोमीटर जा रहा है, तो ही ये फॉर्मूला लगेगा, एक 5 किलोमीटर जा रहा है, एक 10 किलोमीटर जा रहा है तो नहीं लगेगा, चाहे एक 10 किलोमीटर जा रहा है, 15 किलोमीटर जा रहा है तो नहीं लगेगा। अब देखिए दो आदमी, अब यही केस को अगर हम आगे एक्सटेंड करते हैं, अब लीजिए तीन आदमी मान लीजिए, चाहे 3 कार मान लीजिए, एक ही बात है, ए और बी और सी, ठीक है, जो भी मान लीजिए 3 कार, अब उसको नाम दे दीजिए A:B:C। इस तीनों कार का जो है स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 1:3:5। अब इसमें भी देखिए टाइम टेकन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, क्या बोले थे अभी हम, सेम डिस्टेंस होना चाहिए। तो आप पूछ रहा है कि टाइम टेकन का रेशियो होता है, डायरेक्ट पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा, सो आप बता दीजिए हम। तो अभी तो हम आपको बताए थे कि उल्टा कर दीजिए, तो अब इसको कैसे उल्टा कीजिएगा, देखिए इसको भी कैसे उल्टा करते हैं, सो देख लीजिए। तो 1/1, 1/3 और 1/5 हो गया उल्टा, लेकिन ऑप्शन में तो कहीं दिख ही नहीं रहा है कि 1/1, 1/3, 1/5 ये कैसा उल्टा होगा। तो देखिए इसको एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा 15। जब एलसीएम इसका आ जाएगा 15, तो 15 यहाँ जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15:5, क्योंकि ये 3×5=15 और फिर ये 5×3=15, तो 15:5:3 इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, यही क्वेश्चन, आप आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको ऐसे में रोज रोज हमेशा डेली या कुछ समय पे मैं ऐसे वीडियो डालते रहता हूँ, कॉन्सेप्चुअल वीडियो, जो आपको नए नए कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।